25 मई को लोकसभा चुनाव के छठे फेज का चुनाव होना है। हरियाणा में भी 25 मई को लोकसभा चुनाव है और चुनाव प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन पर पीएम नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, जहां रैली कर हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह के लिए वोट मांगेंगे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी के अलावा गुरुग्राम से पार्टी कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। वही आपको बता दें कि पीएम मोदी की हरियाणा में यह तीसरी रैली है। इससे पहले वह अंबाला और सोनीपत में भी रैली कर चुके हैं। वही पीएम मोदी के दौरे से पहले राहुल गांधी भी कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह के समर्थन में रैली कर चुके हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के लिए रवाना होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब पीएम मोदी पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपके दौरे पर रहेंगे इस दौरान हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चौधरी धर्मवीर सिंह के समर्थन में रैली को करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं इसके बाद पंजाब में भी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे से पहले राहुल गांधी ने भी महेंद्रगढ़ में रैली कर चुके हैं, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, जहां राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह के लिए प्रचार किया था और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला था। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभा में राहुल गांधी के बयान पर, राहुल गांधी के द्वारा किए गए हमले पर पलटवार कर सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री महेंद्रगढ़ के गांव पाली में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और यह दूसरा मौका होगा जब वह पाली गांव में पहुंच रहे हैं। यह रैली गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़ दोनों लोकसभा क्षेत्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रैली को लेकर पुलिस ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिए गए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि हरियाणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के लिए रवाना होंगे। इन लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आ रहे हैं। 25 मई को लोकसभा चुनाव का छठा फेज होना है। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने सारी ताकत चुनावी मैदान में झोंक दी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वही कल हमने देखा था प्रधानमंत्री के दौरे से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता अमित सेठी का। अमित, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं, सबसे पहले हरियाणा में और फिर पंजाब में। उनके इन बैक टू बैक कार्यक्रमों को लेकर क्या कुछ अपडेट है और कितने जनसभाओं को वो संबोधित करने वाले हैं? बिल्कुल, कल बात की गया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हरियाणा और पंजाब के दौरे में रहेंगे। पंजाब की बात की जाए गुरदासपुर के हल्के में होंगे और लगातार जो है किसान भी कहीं ना कहीं साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम घेराव उनका जो है जरूर करेंगे, क्योंकि रोष जो है किसानों में भी दिखाई देगा। तो साफ तौर पे कह सकते हैं हम कि अगर क्योंकि लोकसभा चुनाव का जिस तरह से बुकल हो चुका है और उसी अपने जो उनके उम्मीदवार हैं उनके लिए जो है कहीं ना कहीं प्रचार करते हुए जो है प्रत्याशियों के लिए अपने प्रचार करते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है के जो जितने भी प्रत्याशी जो हरियाणा के हैं चाहे पंजाब के हैं उनके लिए जो है कहीं ना कहीं जो है प्रचार करते हुए जो है आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों को लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई है? बिल्कुल, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के जो है बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इसे पहले भी देखने को मिला था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इससे पहले एक बार जब पंजाब का दौरा था तब भी सुरक्षा को में जो है जिस तरह से चूक हुई थी तो किस तरह की गलती जो है सही होनी चाहिए है। तो बिल्कुल पंजाब में जो है बिल्कुल पूरे इंतजाम जो है सुरक्षा के जो है बिल्कुल किए गए हैं, जगह जगह पर जो है पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जो है लगाई गई है। जी,
अभी तक अगर बात करें हरियाणा की, तो 10 लोकसभा की सीटें आती है जो बीजेपी के लिए और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए बेहद खास हो जाती है। अगर कांग्रेस की बात करें तो 9 सीटों पर लड़ रही है, वही एक जो सीट है वो आम आदमी पार्टी के खाते में गई है और उसको लेकर भी लगातार राहुल गांधी ने भी कल महेंद्रगढ़ के अंदर अपनी चुनावी रैली को संबोधित किया और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया था। और आज प्रधानमंत्री खुद महेंद्रगढ़ में मौजूद रहेंगे, वहां पर पाली गांव में जहां वो दोबारा आ रहे हैं वहां पर राहुल गांधी के इन तीखे प्रहारों का जवाब भी देंगे। बिल्कुल, क्योंकि लगातार इस तरह से सियासत गर्म देखने को मिल रही है, तो एक दूसरे पे पलटवार का दौर बिल्कुल चल रहा है। और इससे पहले भी जिस तरह हरियाणा में पलटवार जिस तरह से किया गया था, तो अब दोबारा प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जो है फिर से जो है हरियाणा में पहुंच रहे हैं और लोगों को जो है संबोधित करेंगे, जो है संबोधित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा और पंजाब दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान वो भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे, जहां पर महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित कर चौधरी धर्मवीर सिंह भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो वहीं पंजाब दौरे पर भी भाजपा प्रत्याशी परनीत कौर के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने भी महेंद्रगढ़ के अंदर जनसभा को संबोधित किया था और जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया था।